कोई बंगाली भाई ये देखेगा तो। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत ऑसम होंगे। आज बहुत स्पेशल होने वाला है और बहुत सारे लोग का डाउट था वो मैं आज क्लियर करूंगा। आज मैं जो जा रहा हूं, जो जगह का नाम है वो है वादिय जिन। क्या है? वादिय जिन, जहां जिन्नातों लोग का बसेरा होता है। रुकिए, स्वैप नहीं करिएगा, अभी देखते जाइए। ये लोगों का मानना है कि वादिय जिन में जिन्नातों लोग का बसेरा है। ये मैं आपको हकीकत थोड़ी देर में दिखाऊंगा। हमारे चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो में आपको मिलता रहे। तो जो मेरा जो पर्पस है वादिय जिन दिखाने का, और मैं आपको 110% प्रैक्टिकल बताऊंगा। जो लोग बताते वो नहीं बताऊंगा, मैं अलग बताऊंगा आपको हट के। वहाँ पे जिन है कि नहीं है, और गाड़ी बंद यानी बंद गाड़ी में गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे ढुलकता है, यानी अपनी ओर कैसे खींचता है, यहाँ पे फ्रिक्शन के थ्रू या ग्रेविटी है या नहीं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए ये देखिए, अभी हम लोग ट्रैफिक में हैं और रास्ते पे हैं, बहुत जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। हम लोगों ने कहा दुआ ठाकुर नमस्ते रहेंगे, स्वैप नहीं करिएगा। ओके, ये देखिए मैं रास्ता में हूँ, बहुत करीब हूँ वादिय जिन के। और ये देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ मिलेगा। ये देखिए, और खजूर तो यहाँ फेमस है, खजूर का पेड़ भी लगा हुआ है। और ये देखिए पहाड़, यानी आप जिस ओर से देखते हैं, राइट लेफ्ट और बैक फ्रंट जो भी देखते हैं, आपको सिर्फ पहाड़ी नज़र आएगा। ये देखिए बस करीब ही है। दोस्तों ये देखिए, और ये देखिए हातिम भाई, ये हमारे कंपनी में एम्प्लॉय है और इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे है, बहुत नेक है। और हातिम भाई आप बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हातिम है, अब मैं बांग्लादेशी है, मैं काम करता हूँ आपरास कंपनी में इलेक्ट्रिकल में। और ये जो है वही दानिश भाई, साथ है इरफान भाई, वो भी मेरा साथ ही काम करता है, हम लोग एक साथ में काम करता है, यानी हम लोग सारा कॉलिक है। ये देखिए आपकी, आप उनके आवाज भी सुन लिए हैं, और इनका नया चैनल है, और मैं आप अपना चैनल में इनका नाम मेंशन कर दूंगा। और इनको भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लीजिए, ये कुछ बोलना चाह रहे हातिम भाई? हाँ जी हातिम भाई, मैं बोलना चाहते यही है, सबसे बड़ा बात है, मेरा बात आप लोग समझ आ रहे ना नहीं आ रहे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं यार, आपका आप समझना कर लिया है, हिंदी लोग सब समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बोलना चाहते हैं ये भाई जो है बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बना रहे, आप लोग देखने के बाद सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू शुक्रिया, जरूरी सब्सक्राइब करना। हमारा कोई बंगाली भाई ये देखेगा तो मैं उसको भी बोलता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, और सब करिए। शुक्रिया हातिम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपको तहे दिल से। ओके, मैं आपको बैक कमरा करके दिखाता हूँ। बस बस बस, जिस पल का इंतजार था बस आ गए हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा, खूबसूरती, और जो यहाँ का माजरा है, यानी यहाँ का जो मंजर है वो भी आपको दिखाऊंगा। इट्स ए मारिकल, एक चमत्कार एरिया है। ये वादिय जिन के एरिया में हम लोग घुस गए। अच्छा हातिम भाई, अब पहुँचने वाले हैं हम लोग? हाँ, अब ये वो एरिया में घुस गया, बस मतलब वादिय जिन में हम लोग एरिया में घुस गए। हाँ, घुस गया, ये साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में लिखा है। अच्छा, तो मतलब कम से कम कितना टाइम लग जाएगा पहुंचने में? अभी टाइम नहीं लगेगा, अभी तो हम लोग नजदीक पे है। अच्छा, नजदीक वो 5-7 मिनट लग जाएगा। 5-7 मिनट बस, और मतलब 5-7 मिनट यानी यू पार हो जाएगा। और ये देखिए, हम लोग रास्ता गलत आ गए हैं वीडियो के चक्कर में। चलिए मुश्किल नहीं है, अभी मुड़ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम है। और ये देखिए टर्न
ले रहे हैं अभी हम लोग, और मुझे जाना था सीधा मगर राइट ले लिया हूँ मैं। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत ऊँट, आपको ऊँट का नज़ारा बहुत मिलेगा इधर, ऊँट बहुत रहते हैं। ये देखिए पहले ज़माने में कैसे लोग रहते थे खैमा बना बना के, उस तरह से आपको सीन यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको। देखिए यानी एक मतलब गांव टाइप का नहीं होता, जैसे मतलब मान के चले जैसे एक गांव में 10 आदमी 15 आदमी जो स्टार्टिंग में, तो उसी तरह आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और फील होगा ये चीज़ यार यहाँ तो आदमी है ही नहीं, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं कैसे खाते होंगे। ये देखिए दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच गया हूँ और गाड़ी से उतर गया हूँ, और ये देख सकते हैं ये वादी जीन है, ये देखिए ऊँची ऊँची पहाड़ है माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत है। और जैसे लोगों का मानना है यहाँ पे बहुत सारे जीन लोग रहते हैं इस वजह से यहाँ पे चमत्कार है। देखिए ये कन्फर्म कोई नहीं बता सकता, अभी तक कोई कन्फर्म नहीं बता पाया यहाँ पे जीन का बसेरा है, ठीक है। ये कुदरत का करिश्मा है, और यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है मालूम है, आपको चारों ओर आपको पहाड़ मिलेगा यानी घेरा हुआ मिलेगा। दूसरी बात यहाँ हवा यानी ऑक्सीजन की कमी है, यानी 1% आपको मिलेगा, ठीक है, 1 से 1.5% 2% जो भी है मिलेगा, बाकी आपको हम एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। है चमत्कार है, बट ये नहीं है कि यहाँ पे जीन है, 100% आप नहीं बोल सकते। मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, पहला एग्जांपल आपको बोतल में दिखाऊंगा रख के, देखिए ऑटोमेटिक जाएगा, दूसरा दिखाऊंगा गाड़ी का बंद, गाड़ी में 100-120 जाएगा यानी 100-120 के स्पीड जाएगा। फ्रंट से ही दिखा देता हूं, देखिए चारों ओर आपको मिलेगा पहाड़, बीच में कहीं आपको खाली नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, ये देखिए। चलिए आपको मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ये देखिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, आपको बताया था कि मैं गाड़ी से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अभी गाड़ी बंद है यानी ऑफ है, यानी एस्केलेटर नहीं लिया हुआ है, और देखिए कितना स्पीड में चल रहा है, ये देखिए पैर नहीं रखा हुआ है और गाड़ी चल रही है, स्पीड अभी देखिए देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे, 40 था 60 गया, ये देखिए यही एक चमत्कार है यहाँ पे, इट्स ए मायरिकल। ओके देखिए देखिए अपने आप जा रहा है, और आप सोच रहे होंगे पैर दिए हुए, ये देखिए पैर नहीं है, ये देखिए पैर नहीं दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ ग्रेविटी बहुत कम है, बहुत कम, और चारों ओर आपको पहाड़ मिलेगा, माउंट मिलेगा आपको। ये देखिए कितना स्पीड हो गया गाड़ी, यहाँ पे आपका गाड़ी बंद रहते हैं। हाँ आदि भाई कुछ बोलेंगे, अभी 80 होने वाला है, अभी 80 होने वाला है, और ये देखिए 80 होने वाला है, ये देखिए ऑटोमेटिक, ये बस खाली चाबी ऑन है, ये मत सोचिएगा गाड़ी बंद है, बस चाबी ऑन है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना ऑटो गियर में कि अगर बंद मतलब नहीं किए तो फिर दिक्कत है, गाड़ी काम नहीं करेगा। ये देखिए 80 होने वाला, 80 हो गया है मुमकिन, ये बस ये आप चमत्कार बोल सकते हैं या कुदरत का करिश्मा बोल सकते हैं या फ्रिक्शन बोल सकते हैं या ग्रेविटी बोल सकते हैं, ये अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है। बट ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे जिन लोग रहते हैं। ओके की तरफ आया हूँ, ये वादिया जिन माजरा है, और ये देखिए आपको सबसे प्यारा सा छोटा सा क्या लग रहा आपको, गधा है या घोड़ा है ये बताइए। और अल हबीबी यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ का फेमस है ऊँट, बहुत प्यारा प्यारा ऊँट है, यहाँ पे सवारी करते हैं, और सवारी यहाँ पे जैसे लगभग आपका लगभग 100 रियाल का मतलब आपको 30 मिनट देगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूँगा और नेक्स्ट चमत्कार दिखाऊँगा, रोड पर पानी रख के और कैसे अपने आप को खींचता है मैग्नेटिक के थ्रू। ओके और वो सौ लोग का देखना था ये कि मतलब यहाँ पे रेत में गाड़ी कैसे चलता है, वो भी आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड बाय।